स्टार लगा के रख दिया था और उसके एक घंटे के बाद हम ऑब्जर्व करने वाले थे। तो आइए, अब हमारा एक घंटा हो गया है, 1 आवर्स पूरा कंप्लीट होने के बाद हम अपने ESR की टेस्टिंग को ऑब्जर्व करेंगे कि हमारा ESR कितनी वैल्यूज़ में गिरा है और हमें उसकी रीडिंग किस तरीके से देना है, उन सब के बारे में मैं आपको डिस्कस करने वाला हूँ। या हम लेबॉरेटरी में ESR की रिपोर्ट कैसे बनाएं, उस चीज़ को फिर हम आगे देखेंगे। आइए देखते हैं। तो जैसे अभी इस ये ESR को हमारे पूरा 1 आवर्स हो गया है, अगर हम इस ESR को काउंट करें तो यहाँ पे हम देखेंगे जो हमारा 0 है यहाँ पे 0, 1, 2, 3, तो हमारा 3 से थोड़ा सा नीचे आया। तो इसका पेशेंट का हम ESR वैल्यू क्या देंगे, काफ़ी स्टूडेंट जो हमारे DMLT BMLT वाले जो फ्रेशर स्टूडेंट हैं उनका क्वेश्चन रहता है कि सर ESR की हम रीडिंग कैसे देते हैं। तो देखिए, जो हमारा 30 यानी कि 3 तक है उसको हम 30 लेके चलते हैं, जो हमारा 1, 2, 3, 4 है इसको हम 10, 20, 30, 40, 50, 60 यानी कि 100 मतलब 10 प्लस करके लेके चलते हैं। तो अभी ये हमारा 30 हो गया है, तो 30 से थोड़ा नीचे है तो हम इसको 32 या 33 काउंट कर लेंगे। तो जैसे